रावण, आ रहा हूँ न्याय के दो पैरों से अन्याय के 10 सर कुचलने, आ रहा हूँ अपनी जानकी को ले जाने। तो हेलो दोस्तों, आदि पुरुष को लेकर रोज कुछ ना कुछ अपडेट लगातार देखने को मिल रहे हैं। कभी इसके टिकट सोल्ड आउट को लेकर तो ढेर सारे क्रिटिक्स की क्यों आदि पुरुष में ये रामायण जैसे प्योर सब्जेक्ट का खिलवाड़ किया गया है। दूसरी तरफ कुछ लोग बेसब्री से मूवी रिलीज होने का भी इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, 16 जून का। तो सब जानेंगे मूवी ग्रोथ करेगी या नहीं, हाल ही में रिलीज ट्रेलर लोगों को कितना पसंद आ रहा है, एडवांस बुकिंग पोर्टल ऑफिशियली कब स्टार्ट हो जाएंगे, क्यों आदि पुरुष इतना कॉन्ट्रोवर्शियल कंटेंट बन गया है, थोड़ा सा इंतजार सब जानेंगे उस कुछ ही देर में। तो लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हाल ही में आदि पुरुष की तरफ से एक धमाकेदार न्यूज रिवील हुई है जिसने मार्केट में तहलका मचा दिया है। जी हाँ, मूवी की लेंथ लगभग 3 घंटे की होने वाली है। जी हाँ, 2 घंटे 59 मिनट की लेंथ ऑफिशियली होने वाली है, जो कि एक पिटफॉल पॉइंट भी है, क्योंकि आजकल जमाना बहुत कम समय में ज्यादा से ज्यादा वैल्यूएबल कंटेंट की मांग करने वाला। क्योंकि जहां एक तरफ फिल्म में सिर्फ 2 से 2.5 घंटे में एक अमेजिंग टाइम सेविंग और फुल वैल्यूएबल एंटरटेनमेंट प्रोवाइड कर रही है, वहीं ऐसी लॉन्ग फिल्में कई बार कहानी को इतना लंबा खींच देती हैं जिससे ना चाहते हुए भी लोगों को बोरियत होने लग जाती है। सेम चीज सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान में देखने को मिली थी, इसलिए मूवी इजिली पिट भी गई थी और फ्लॉप मूवी साबित हुई थी। लेकिन इसकी दूसरी तरफ अगर कहानी में दम है तो यस, मूवी लॉन्ग लास्ट तक देखी जाती है। लाइक RRR, जिसमें लोग कह रहे थे कि लोग बोर हो जाएंगे, मूवी लेंथ बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके अपोजिट हुआ और मूवी सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हिट हुई। लोगों को बहुत पसंद आई मूवी और वो सब हम जानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो रामायण की स्टोरी लगभग सभी को मालूम है। क्रिटिक्स दोनों फेवर में चल रहे हैं, क्योंकि एक जगह लोग कह रहे हैं कि रामायण जैसा सब्जेक्ट सिर्फ 3 घंटे में कैसे दिखा पाओगे आप लोग, इसमें आप लोगों को क्या क्या ही दिखाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ लोगों का ये भी कहना है कि वी न्यू द मेन पार्ट्स ऑफ स्टोरी, और यस वही सब दिखाया जाएगा, और ये सब उन चीजों के दिखाने के लिए लंबी लेंथ नहीं हो जाएगी। लेकिन हाँ, अगर जैसा ट्रेलर में हम देख रहे हैं, अगर इससे भी कुछ ज्यादा ही रख रखा है मेकर्स ने पब्लिक के लिए या हमारे लिए, तो आदि पुरुष को सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हिट होने से किसी का बाप नहीं रोक सकता। और मूवी 700 करोड़ अपनी लागत में करके 1000 करोड़ से ऊपर का कलेक्शन भी कर लेगी। बाकी एडवांस बुकिंग सिनेरियो तो अमेजिंग चली रही है, पर प्रभास जैसे ब्रांड के मुताबिक वो ग्रोथ देखने को फिलहाल नहीं मिल रही है। दूसरी तरफ रणबीर कपूर ने लगभग 10,000 टिकट पहले ही खरीद लिए हैं फॉर अंडर प्रिविलेज्ड किड्स, जो कि एक बहुत काइंड मोमेंट है और शो करता है काइंडनेस ऑफ रणबीर कपूर। लेकिन इसके बेस पर अगर मोटा हिसाब रखें कि इस स्टेप से मूवी को कितना बिजनेस मिलेगा, तो एवरेज अगर छोटा आंकड़ा देखा जाए 300 रुपये का, तो लगभग 30 लाख का बिजनेस इजिली प्रोवाइड करेगा यह स्टेप रणबीर कपूर का। दूसरी तरफ बुक माई शो में क्या जबरदस्त ट्रेंड कर रही है मूवी, बहुत अच्छा ऑक्यूपेंसी रेट देखने को मिल रहा है। बाकी यस, आज 9 तारीख से एडवांस बुकिंग पोर्टल ऑफिशियली ओपन हो चुके थे और क्या रिकॉर्ड तोड़ हिस्ट्री क्रिएट करी है अपने फर्स्ट डे में ही। जी हाँ, लगभग 50 करोड़ का कलेक्शन अपने खाते में ये रख चुके हैं आज के दिन। दूसरा ये कि मूवी अपने पहले दिन 100 करोड़ से ऊपर का बिजनेस जरूर करेगी, नो डाउट। उसके बाद इसकी ग्रोथ, फिर इसके कंटेंट में कितना दम है उसके बेस पर देखा जाएगा। दोस्तों मैंने बहुत बोल लिया, अब आपकी बारी, आप लोग बताएंगे। पहले तो ये कि आपको फिलहाल फाइनल ट्रेलर कैसा लगा, दूसरा ये कि मूवी वाकई में हिट होगी या फ्लॉप, फटाफट अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सारी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों की अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते अगली वीडियो में, जय हिंद।